परिवर्तन हो सकता है? देखिए, विद्याएं तो उतनी रहेंगी, जन्म से लेकर मोक्ष तक हमको कुछ विद्याओं की आवश्यकता है, जिसके बिना ना हमारा जीवन चल सकता ना मोक्ष हो सकता। हमें खेती तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो अनाज मिलेगा नहीं, खाना खा नहीं पाएंगे। तो जीवित रहने के लिए खेती भी चाहिए, सड़क भी बनानी पड़ेगी, डैम भी बनाना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, हिसाब किताब भी लिखना पड़ेगा, गणित भी, कॉमर्स भी, इकोनॉमिक्स भी, सिलाई कढ़ाई, सोने चांदी के आभूषण, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चार वेदों में हैं। चिकित्सा भी चाहिए, मेडिकल। तो ऋषियों ने वेदों में से ये सारी विद्याएं पढ़ ली और अलग अलग शास्त्र बना दिए और उनके नाम रख दिए। ये व्याकरण है, ये दर्शन है, ये सांख्य है, ये न्याय है, ये वैशेषिक विद्या है, ये योग विद्या है, ये उपनिषद विद्या है। तो उतने अंग उपांग भी उतने ही रहेंगे, सारी विद्याएं वही की वही रहेंगी, जितनी हमको मोक्ष तक के लिए आवश्यक हैं वो सारी की सारी चारों वेदों में हैं। और वो हमेशा चाहिए, पहले भी चाहिए थी, आज भी चाहिए, आगे भी चाहिए। तो ये सब वैसा ही रहेगा, उतनी ही विद्याएं रहेंगी, उतने ही वेद रहेंगे। तो हम मानते हैं कि जो चार मंत्र में आता है, लेकिन ये भी उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, कम ज्यादा हो सकता नहीं हो सकता उपनिषद हमारे दर्शन। अगर कम करेंगे तो इसका अर्थ है कि अब फालतू दिया गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी इसलिए कम कर लो। तो ईश्वर का काम फालतू होता है क्या? तो फालतू नहीं होता ना, इसलिए कम नहीं करेंगे। और अगर बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब अभी कसर है, तो ईश्वर का काम ऐसा भी नहीं है कि अधूरा हो। हाँ, फिर वो अन्याय होगा भी, अभी तो कम दिया, अगली बार बढ़ाओ इसको। इन बेचारों को ये बात तो सिखाई नहीं जो आवश्यक थी। तो ईश्वर का काम बिल्कुल पूरा होता है, न कम होता है न ज़्यादा, इसलिए उतनी ही विद्याएं देता है जितनी आवश्यक हो। उतनी सारी दी, अब भी दी, आज भी दी, आगे भी देगा। ठीक है, चलिए, ओम का उच्चारण।